सो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू पेंटेक। तो दोस्तों, आज हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं और आज हम बनाने वाले एक मोशन ऑन ऑफ स्विच जो काम करेगा आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की मदद से। तो दोस्तों, आपके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना लोगे, बोलो तो बिल्कुल यूं ही। और दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही कम है, एक दो ही है, और जितना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको बनाने में बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया हूँ और इसका वर्किंग मैकेनिज्म को भी अच्छी तरह से समझा दिया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो सके तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते। तो दोस्तों, ये एक रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच सर्किट है और इसको एक बहुत ही पॉपुलर और कॉमन आईसी CD4017 आईसी से बनाया गया है। और दोस्तों, देख सकते हो इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स भी नहीं है। आईसी के अलावा सिर्फ एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक आईआर रिसीवर है। तो इसको इतना सिंपल तरीके से बनाया हूं कि सर्किट डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो पहला उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि आज का इस प्रोजेक्ट को इस सर्किट के ऊपर ही बेस करके बनाया गया है। दूसरा एक आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देख सकते हो ये भी बहुत ही सिंपल और इजी सर्किट है और इसको भी इस चैनल पर ही बनाया गया है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत ही कम प्राइस में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप इसको बनाना नहीं चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। और पावर देने के लिए चाहिए एक 9 वोल्ट का बैटरी और कनेक्टर। तो चलिए आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सर्किटों को ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच का जो आईआर रिसीवर है उसको चेंज करना है और उसका जगह पर आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को सिंपली जोड़ देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इस आईआर सेंसर की 3 लेग है, VCC आउट और ग्राउंड, और इस आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के भी 3 लेग है, VCC आउट और ग्राउंड। तो चलिए एक बार फटाफट ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कौन सी पिन क्या है। तो दोस्तों, इस सर्किट का ये वाला पिन ग्राउंड, मिडिल का VCC और ये लास्ट वाला आउटपुट है। तो चलिए आप सिंपली आईआर रिसीवर को खोल के उसके जगह पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लगा देते हैं। और ये करना बहुत ही सिंपल है, बस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाओगे। और आप इस चैनल पर भी नया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। तो देख सकते हो हमने आईआर रिसीवर को निकाल दिया और अब मैं सिंपली सेम जगह पर आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लगा दूंगा। चलिए अब इसको इसके हिसाब से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं इसका नेगेटिव पिन को इस कैपेसिटर का इस पॉइंट के साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि आईआर रिसीवर का ग्राउंड पिन इस पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ था। अब मैं इसका आउट पिन को रजिस्टर के साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि इस रजिस्टर का दूसरा हिस्सा 4417 आईसी का क्लॉक पिन के साथ जुड़ा हुआ है। हो गया, आपसे VCC पिन यानी पॉजिटिव पिन को आईसी की पिन नंबर 16 के साथ जोड़ना है, क्योंकि आप आईसी का 16 नंबर पिन पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए होता है। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो के बाद आप रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच का वीडियो को जरूर देख लेना, उससे ये सर्किट कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझा भी दिया था। दोस्तों, यहाँ पर दोनों सर्किट एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है। उस सर्किट में सिर्फ रिमोट से कंट्रोल किया जाता था और इस सर्किट में रिमोट और सेंसर दोनों की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये थोड़ा उस सर्किट से ज़्यादा एडवांस है और कुछ नहीं। तो एक बार ने आप रिमोट कंट्रोल स्विच सर्किट को बनाना सीख गया तो इसको भी आराम से बना सकते हो। और ये आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को आप इसको खरीद भी सकते हो, लेकिन आई होप मेरा व्यूअर्स को ये खरीदना नहीं पड़ेगा। मेरा ये दावा है, जिस किसी ने भी मेरा इस आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वीडियो को देखा है, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में इसको बना लेगा। तो दोस्तों, सर्किट तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आप सिर्फ इसको बैटरी से जोड़कर टेस्ट करना है। तो चलिए पावर सप्लाई देने के लिए कनेक्टर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आईसी का 16 नंबर पिन पॉजिटिव पिन है और 8 नंबर पिन नेगेटिव पिन है। तो मैं यहाँ पर कनेक्टर का रेड वायर को 16 नंबर पिन के साथ और ब्लैक वायर को 8 नंबर पिन के साथ जोड़ दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो पेंटेक को जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का फोटो, वीडियो और सर्किट डायग्राम पोस्ट करता रहता हूँ। तो जरूर जाइए और फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको कोई भी डाउट हो और सर्किट डायग्राम की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। वैसे भी मैं इसका सर्किट डायग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हो आईसी के 16 नंबर पिन इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पॉजिटिव पिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम पॉजिटिव वायर को यहाँ पर भी सोल्डिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हो अब ये सर्किट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से टेस्ट करके देखा देती हूँ। एक 9 वोल्ट का बैटरी, तो चलिए इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो इसके सामने पहली बार हाथ या किसी भी ऑब्जेक्ट लाने से ऑन हो रहा है और दूसरी बार हाथ या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाने से ऑफ हो रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल किसी स्विच की तरह ही काम करता है। और दोस्तों, इसको एक बार ऑन करने के बाद ये तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक इसके सामने दोबारा हाथ या किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लाते।
और दोस्तों इस सर्किट को आप रिमोट की मदद से भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। ये रिमोट के किसी भी स्विच से काम करेगा और ये कोई भी रिमोट हो सब रिमोट से ही काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आए गया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।